हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम लोग डीसी मूवी से जुड़े 10 ऐसी बातें जानने वाले हैं जो कि शायद आप लोगों को नहीं मालूम हो। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं। अब रिमाइंडर दे दिया है तो चलिए अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1, ग्रीन लैंटर्न मूवी में अविन सूर और सिनिस्ट्रो जब यहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे सिनिस्ट्रो का हमें होलोग्राम दिखाया जाता है, जो कि एंड में फ्लिकर करने लगता है, और डिस्कनेक्ट होने से पहले हमें कुछ सेकंड के लिए येलो कलर का दिखाया जाता है, जो कि असल में एक फोरशैडोइंग था कि सिनिस्ट्रो आगे जाकर येलो रिंग पहनेगा, जो कि वो एंड क्रेडिट सीन में पहनता भी है। नंबर 2, मैन ऑफ स्टील मूवी के अंदर आप यहां पर एक कैमियो मिस कर देते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि 1978 में आए सुपरमैन मूवी में क्लार्क केंट का रोल अदा कर चुके हैं। वो असल में उस मूवी के अंदर 2 साल के बच्चे थे, जिनका नाम है एरोन स्मॉलिंस्की। नंबर 3, वंडर वुमन मूवी के अंदर इस सीन में स्टीव ट्रेवर का जो जर्मन यूनिफॉर्म रहता है उसको जानबूझकर छोटा रखा गया था, ताकि थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच रखा जाए, एज किसी भी रैंडम जर्मन सोल्जर को वहां पे पकड़ के उसके यूनिफॉर्म को डायरेक्ट पहन लेने से वो उसमें डायरेक्ट फिटिंग आ जाए, ये उतना हजम नहीं होता है। लेकिन मूवीज में इन सारे चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है, बट उन लोगों ने थोड़ा अलग टेक लिया और यहाँ पे स्टीव ट्रेवर की जो यूनिफॉर्म थी उसको जानबूझकर छोटा रखा। नंबर 4, मैन ऑफ स्टील में एंड फाइट सीक्वेंस के दौरान हमें एक झलक के लिए ये बिल्डिंग दिखाई जाती है, जिसके ऊपर यूटोपिया कैसीनो लिखा हुआ रहता है, जो कि कॉमिक्स में टोनी गैलो का था, जिसको क्रिप्टोनाइट मिलता है और वही उसको अपने मैंशन में ले जाके रखता है और बाद में सुपरमैन से उसको एक्सपोज भी कराता है। नंबर 5, सुसाइड स्क्वाड में हार्ली क्विन के बेसबॉल में जो कोट्स लिखे हुए थे वो बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज में जोकर्स फेवर एपिसोड से लिए गए थे। नंबर 6, सजाम मूवी के अंदर जब 7 महापाप अलग अलग होकर बाहर में खड़े रहते हैं तो वहाँ पे प्राइड सबसे अलग रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उसके प्राइड या फिर कहें अहम के खिलाफ होता है। नंबर 7, मैन ऑफ स्टील में जनरल जॉर्ज से लड़ाई करने के दौरान जिस सैटेलाइट पर वो क्रैश करता है उसमें वेन इंटरप्राइजेस लिखा हुआ रहता है, जो कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि वो किसको बिलोंग करता है। नंबर 8, शज़ाम मूवी के अंदर हम एक स्माइली के ऊपर एक रेड कलर का छीटा देखते हैं, जो कि इस सीन में आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि डीसी की मूवी वॉचमैन मूवी का एक रेफरेंस था। नंबर 9, वंडर वुमन मूवी के अंदर स्टीव ट्रेवर की तस्वीर को मॉडल किया गया था एडी रिकन बेकर के ऊपर, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में फ्लाइंग एस का हिस्सा थे। अब आते हैं नंबर 10 और हमारा आखिरी डिटेल की ओर, जो कि ये है कि सुपरमैन बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ द जस्टिस मूवी के अंदर जिस टाइम पीरियड में मरता है उसी टाइम पीरियड के आसपास में ही जस्टिस लीग स्नाइडर कट के अंदर रिवाइव होता है। प्रेजेंटली मैंने 10 के सेट्स पे डीसी फैक्ट्स बताने का फैसला किया हुआ है, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो बहुत ही जल्द नंबर भी बढ़ेंगे और फैक्ट्स के लेवल भी। बैटमैन से जुड़े हुए मैंने कोई भी डिटेल्स या फैक्ट यहाँ पे इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि मैंने कुछ डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं उनके ऊपर, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या फिर आपको आई बटन में शो होगा। इसके अलावा इनमें से कितने फैक्ट आपको मालूम थे या फिर कितने फैक्ट आपको आज पता चले, आप हमें कमेंट सेशन के जरिए बता सकते हैं। बाकी डीसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं, अगर इंटरेस्टिंग लगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इस वीडियो से कुछ भी आपको नया पता चला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए, और अगर आपको कुछ भी नया पता ना चला हो तो भी कोई बात नहीं, आने वाले समय में आपको डेफिनेटली बहुत सारी नई चीज़ें पता चलने वाली है। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।